माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आप अभी ही अभी 11th में आए होंगे और देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से, पर ये बड़ा ही आसान टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, रियल प्लस इमेजिनरी। तो रियल से आप फेमिलियर होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स, आपने रियल लाइन भी बनाई होगी। तो रियल नंबर्स आर द नंबर्स लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल हो। अब इमेजिनरी समझते हैं, तो हमारे लिए इमेजिनरी नंबर्स समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रियल से हम फेमिलियर हैं। तो इमेजिनरी में आपने लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देखे होंगे, इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के रूट्स निकाले जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज नेगेटिव। इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा और इसी केस के लिए आप कहते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इसी को अब हम कहेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इट मीन्स वेन एवर यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर देन सच नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को यूलर ने आई माना है, दिस इज अ ग्रीक लेटर, ग्रीक सिंबल नोन एज आयोटा। इसका शेप आपके इंग्लिश अल्फाबेट के आई जैसा ही होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यूलर ने कहा है आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन होगा, और इस तरह से अगर आपके पास रूट ऑफ माइनस फोर हो तो आप लिख सकेंगे रूट ऑफ माइनस वन रूट ऑफ फोर, रूट ऑफ माइनस वन इज आई, रूट ऑफ फोर इज टू, देयरफॉर दिस नंबर इज टू इंटू आई। अगर आपके पास रूट ऑफ माइनस नाइन होगा तो इसी तरीके से उसको स्प्लिट अप करके थ्री आई लिख पाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सेवन होगा देन यू कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेवन विच इज रूट सेवन टाइम्स आई। तो ये नंबर्स अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनको आई के फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ बड़ा आसान तरीका है, आपने नोटिस किया होगा। अब हम वापस से आई पर आते हैं, आई इज रूट ऑफ माइनस वन विच इम्प्लाइज आई स्क्वायर इज माइनस वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गिव यू आई स्क्वायर दैट इज माइनस वन। आई क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये होगा माइनस वन इंटू आई माइनस आई। आई टू द पावर फोर, आई टू द पावर फोर को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस वन
इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन। तो आप देखिए कि आपके पास नए नए रिजल्ट्स क्या हैं, आई क्यूब इज माइनस आई, आई टू द पावर फोर, आई टू द पावर फोर इज प्लस वन। अब अगर आपको इसके आगे की वैल्यूज निकालनी हो, फॉर एग्जाम्पल आई टू द पावर फाइव, आई टू द पावर सिक्स, तो आप उसे कैसे स्प्लिट करेंगे आइए देखते हैं। सपोज आप निकालना चाहते हैं आई टू द पावर फाइव, तो आप लिखें इसको आई टू द पावर फोर प्लस वन, आई टू द पावर फोर प्लस वन को आप लिख सकेंगे आई टू द पावर फोर इंटू आई टू द पावर वन। कई बार आप इसको इस तरह से लिख देते हैं आई टू द पावर फोर प्लस आई टू द पावर वन। ध्यान दें ये नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज लॉ ऑफ इंडाइसेस कहता है ए टू द पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। तो आई टू द पावर फोर प्लस वन को आप लिख पाएंगे आई टू द पावर फोर इंटू आई टू द पावर वन। और आगे बढ़े तो सपोज आपके पास आई टू द पावर सेवन है, देन यू मे राइट आई टू द पावर फोर प्लस थ्री, आई टू द पावर फोर इंटू आई क्यूब, आई टू द पावर फोर इज वन इंटू आई क्यूब इज माइनस आई, क्योंकि आपने जो चार रिजल्ट्स देखे आई इज रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, आई क्यूब इज माइनस आई, आई टू द पावर फोर इज प्लस वन। ये आपको ध्यान रखने होंगे। तो इसको इसी तरह से स्प्लिट करें कि फोर प्लस समथिंग, अगर पावर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 47 है, तो आप लिख पाएंगे इसको 47 को 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू 4 से डिवाइड कीजिए, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 इंटू 11 44 प्लस 3, तो ये आया आपके पास आई टू द पावर 4 इंटू 11 इंटू आई टू द पावर 3। अब आप आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 11 लिख सकते हैं इसे, आई टू द पावर 4 इंटू 11 को इंटू आई क्यूब। इसके लिए रूल लगा है ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इज ए टू द पावर एम इंटू एन। तो एम इंटू एन को लिख सकते हैं आप ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन। द सेम प्रोसीजर इज यूज हियर, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 इज 1 होल टू द पावर 11 इंटू आई क्यूब इज माइनस आई, देयरफॉर दिस इज माइनस आई। सो फाइनली आई टू द पावर 47 इज माइनस आई। अब अगर आप और एग्जांपल्स पे नजर मारें, जैसे आई टू द पावर 391 जो बहुत बड़ी पावर्स हैं, उसको भी आप 4 से स्प्लिट करें। क्यों? क्योंकि आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आई टू द पावर 391 को आप 4 से डिवाइड करें, आप मैन्युअली भी डिवाइड कर सकते हैं 391 को, 391 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 3 1, अब फिर डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा आपके पास 4 7 जा 28 और रिमाइंडर 3, तो आप इसको लिख पाएंगे I टू द पावर 4 इंटू 97 प्लस 3, 4 इंटू 97 प्लस 3। अब इसको भी फिर पिछले जैसे ही करेंगे हम, I टू द पावर 4 टू द पावर 97 इंटू I टू द पावर 3 1 टू द पावर 97
इंटू माइनस आई इज माइनस आई। अब अगर इस फॉर्मूले को 4 इंटू समथिंग को जनरलाइज करना चाहें हम, तो आइए देखते हैं कैसे जनरलाइज कर सकते हैं हम। I टू द पावर 4n को आप लिख पाएंगे I टू द पावर 4 होल टू द पावर n, 1 टू द पावर n दैट इज 1। I टू द पावर 4n प्लस 1 को लिख पाएंगे I टू द पावर 4n इंटू आई क्यूब, आई टू द पावर 1 सॉरी, I टू द पावर 4 होल टू द पावर n इंटू आई दैट इज 1 टू द पावर n इंटू आई I टू द पावर 4n प्लस 2 I टू द पावर 4n इंटू आई स्क्वायर I टू द पावर 4 टू द पावर n इंटू आई स्क्वायर इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1। I टू द पावर 4n प्लस 3 इसी तरह से निकालेंगे आप तो यू विल फाइंड माइनस I। I टू द पावर 4n का वैल्यू I टू द पावर 4 के जैसा है, I टू द पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू I के जैसा है, I टू द पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू इज सेम एज I स्क्वायर एंड I टू द पावर 4n प्लस 3 इज सेम एज I क्यूब। वेयर n इज व्हाट? इन ऑल दीज केसेस n बिलोंग्स टू इंटीजर, n एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स आर व्हाट? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। और इस रिजल्ट्स को, इन रिजल्ट्स को यूज करने का एक डायरेक्ट मेथड आप इस क्वेश्चन में देखें, I टू द पावर 1002, I टू द पावर 1002 को आप लिख सकते हैं I टू द पावर 4 इंटू 250,000 प्लस 2 किस जैसा है? नाउ दिस इज सेम एज दिस, देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी माइनस 1। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दीज थिंग्स, यू नीड टू कीप दीज 4 वैल्यूज इन योर माइंड ताकि आप इसका यूज कर पाए। आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। I टू द पावर, मान लीजिए आपके पास है 721, 721 को आप क्या लिख सकते हैं? I टू द पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करें 4 वन जा 4, 4 एट जा 32, 0 प्लस 1, तो ये इट इज सेम एज 4n प्लस 1, तो 4n प्लस 1 से जो वैल्यू आएगा वो आएगा I टू द पावर 1 के जैसा, तो दिस विल बी I, तो I टू द पावर 4n प्लस 1 इज व्हाट? I। तो डायरेक्ट दीज रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड। अब कुछ आगे की भी चीजें हम देखते हैं। सपोज ए पावर इज नेगेटिव, अगर मान लीजिए कि पावर आपके पास नेगेटिव हो तो उनको ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाना चाहिए? जैसे I टू द पावर माइनस 1, I टू द पावर माइनस 1 इज 1 अपॉन I, इस केस में आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा आई, डिनोमिनेटर विल बी आई स्क्वायर, आई अपॉन माइनस 1 इज माइनस आई। नाउ यू कैन कीप इन योर माइंड आई टू द पावर माइनस 1 विच इज 1 अपॉन आई इज सेम एज माइनस आई, आई टू द पावर माइनस 1 इज माइनस आई। अब इसको रिजल्ट को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से यूज करेंगे आप। सपोज आपको पूछते I टू द पावर माइनस 39 क्या होता, तो आप लिखिए 1 अपॉन I टू द पावर 39, 1 अपॉन I टू द पावर 39 के लिए 4 से डिवाइड करें, 4 9 जा 36 प्लस रिमाइंडर 3, आपको वैल्यू मालूम है I टू द पावर 4n प्लस 3 का वैल्यू होगा I टू द पावर 3 के जैसा,
आई टू द पावर 3 इज माइनस आई, एंड नाउ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/i. 1/i का वैल्यू है माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई अपॉन माइनस वन, तो ये प्लस हो जाएगा, आई लिख सकते हैं. और अगर आप डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप इसको लिख दीजिए माइनस वन बाय आई, ऊपर नीचे आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर होगा माइनस आई, नीचे होगा आई स्क्वायर, माइनस आई विल रिमेन माइनस आई और आई स्क्वायर इज माइनस वन, ये आ गया आपके पास आई. कई बार इस तरह से सवाल पूछते हैं, आई टू द पावर एन प्लस 31, आई टू द पावर एन प्लस 32, आई टू द पावर एन प्लस 33, आई टू द पावर एन प्लस 34 का वैल्यू निकालिए, तो आप इसे क्या लिख पाएंगे? यू कैन राइट दिस एज आई टू द पावर एन इंटू आई टू द पावर 31, आई टू द पावर एन इंटू आई टू द पावर 32, आई टू द पावर एन इंटू आई टू द पावर एन इंटू आई टू द पावर 34. अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, आई टू द पावर एन कॉमन ले सकते हैं, आई टू द पावर 31 भी ले सकते हैं कॉमन. अब अगर आपने आई टू द पावर 31 लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर 32 है तो ये बचेगा आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब. आई टू द पावर एन इंटू आई टू द पावर 31 इंटू 1 प्लस आई, आई स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस आई, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और एट द लास्ट यू विल फाइंड योर आंसर विच इज 0, बिकॉज 0 इंटू दिस नंबर इज 0, ये जो कैंसिल हुआ ये 0 है, तो ये आपके पास आया 0. अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेशन देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखिए कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट. अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर मान लीजिए ए है, इमेजिनरी नंबर विल ऑलवेज हैव आई एज इट्स कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट होगा आई. तो और इसे डिनोट करने का तरीका है हमारे पास दोस्तों Z, तो Z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई. दिस विल कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इसमें ये जो पार्ट है ये पार्ट है रियल पार्ट, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z इज ए एंड दिस पार्ट इज इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज B, not B I, not B I. Keep this thing in mind. It is not B I. It is B only. Real part of Z is A and imaginary part of Z is B. For example, Z is equal to 2 plus 3i. Z is equal to minus 4 plus 7i. Or you may say Z1, Z2. ऐसा भी कह सकते हैं. Z3 is equal to minus 3 minus i, Z4 is equal to 5, Z4 is equal to 5, इसमें i missing है, therefore you may write in this way, i plus 0 i, Z6 is equal to 3 i, इसमें real part missing है, तो real part आप create कर सकते हो. Such a number is called
प्योरली रियल. दिस नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो एंड दिस नंबर इज कॉल्ड, अब समझ गए होंगे आप, ये कहलाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर. इसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर. तो आइए, हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह के होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के होते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, टू प्लस थ्री आई, फोर प्लस सेवन आई. रियल पार्ट क्या देखा कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट वो है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई. इमेजिनरी पार्ट इज द वैल्यू विच इज कोफिशियंट ऑफ आई. वो जो आई का कोफिशियंट है वो कहलाता है इमेजिनरी वैल्यू. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से. अब आप इसके ऑपरेशन भी देखिए, ऑपरेशंस ऑफ, तो ऑपरेशंस में सबसे पहले है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले आप दो, या इन जनरल आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लीजिए, जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आई डी. तो जेड वन प्लस माइनस जेड टू क्या होगा, तो जेड वन प्लस माइनस जेड टू होगा ए प्लस आई बी प्लस माइनस सी प्लस आई डी. रियल से रियल ऐड होगा, इमेजिनरी से इमेजिनरी, तो हो जाएगा ए प्लस माइनस सी आई टाइम्स बी प्लस माइनस डी. फॉर एग्जांपल, टू प्लस थ्री आई प्लस थ्री माइनस फोर आई, सिंपली ऐड करिए आप, टू प्लस थ्री फाइव, थ्री आई माइनस फोर आई माइनस आई. सब्ट्रैक्शन करना हो, 2 प्लस थ्री आई माइनस थ्री माइनस फोर आई, तो यह आ जाएगा 2 माइनस थ्री माइनस वन, थ्री आई माइनस माइनस प्लस फोर आई, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन. आइए अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो नंबर्स वही है जेड वन और जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी. आओ मल्टीप्लाई करें, ए इंटू सी ए सी, फिर ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ आई ए डी. आई को पहले लिखने की आदत डालिए, अब आई बी का आई बी सी, फिर आई बी का इसके साथ आई स्क्वायर बी डी. अब आप देखिए ए सी प्लस आई कॉमन फ्रॉम दीज टू, ए डी प्लस बी सी एंड आई स्क्वायर, यू नो व्हाट इज आई स्क्वायर, माइनस वन बी डी. तो ये आपके पास आ गया ए सी माइनस बी डी. ये आया मल्टीप्लीकेशन से z1 वन इंटू जेड टू ए सी माइनस बी डी आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी. अब अगर आप इसका रियल पार्ट नोटिस करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z1 वन इंटू जेड टू इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ z1 वन इंटू जेड टू इज a इंटू सी माइनस बी इंटू डी. ए किसका, ए देखिए अब, ए आप नोटिस करेंगे, ए इज व्हाट, ए इज रियल पार्ट ऑफ दिस, तो दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड वन. सी इज व्हाट,
सी इज दिस रियल पार्ट ऑफ जेड टू माइनस बी इज वॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ B is imaginary part of Z1, D is imaginary part of Z2. Therefore, real part of Z1 into Z2 is this. This is one of the most important question of complex number. Or is question ka jikr मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, जिसमें पूछा गया है यू आर आस्क्ड रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू प्रूव करो रियल पार्ट ऑफ जेड वन रियल पार्ट ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू होता है. तो इसके लिए आप जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट छांटे जैसे मैंने छांटा है और इनकी वैल्यूज यहां से लिखें रियल पार्ट ऑफ जेड वन रियल पार्ट ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू. इस तरह से हमने दोस्तों अभी कॉम्प्लेक्स नंबर समझा, इमेजिनरी नंबर समझे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे होने लगने वाले ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन समझे. आइए मल्टीप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं. Z1 ले लीजिए 2 प्लस 3 आए, Z2 3 प्लस आए. अब Z1 इंटू Z2 करना है आपको. बड़ा आसान तरीका, जैसा आप बचपन में यूज करते थे उसी तरीके से आप करिए, कोई ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं. 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू आए 2 आए, 3i into 3, 9i, 3i into i, 3i square, 6 plus 9i plus 2i, 11i, 3 into i square is minus 1, तो ये आपके पास आ गया 6 into minus 3 plus 11i, 3 plus 11i, ये इसकी वैल्यू. बड़ा आसान मल्टीप्लीकेशन है. जैसे अभी तक आप मल्टीप्लीकेशन करते थे इन द सेम वे यू नीड टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पर अब एक ही चीज का ध्यान रखना है, वेन एवर यू हैव आई स्क्वायर इट शुड बी रिप्लेस बाय माइनस वन. सो इन दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब नेचुरली एक डिवीजन आपके दिमाग में आता होगा कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है. तो लेट्स सी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगला ऑपरेशन है डिवीजन. डिवीजन डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो लेट्स सी हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जेड वन अपॉन जेड टू इज ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी. इस केस में आप रैशनलाइज करिए, सी माइनस आई डी सी माइनस आई डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए. ए प्लस आई बी सी माइनस आई डी ये नेचुरली मल्टीप्लाई होंगे. ए से सी ए सी ए से ये माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर आई स्क्वायर बी डी अपॉन. डिनोमिनेटर में आपका वही यूजुअल फार्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ए सी प्लस आई बी सी माइनस आई ए डी माइनस आई स्क्वायर इज माइनस वन, देयरफॉर इट बिकम्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. सॉरी डायरेक्टली मैंने लिख दिया, आप देखिए सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर. आई स्क्वायर बिकम्स माइनस और बीइंग आई स्क्वायर माइनस इट विल बी प्लस. ए सी और बी डी बोथ आर रियल, दे शुड बी केप्ट टुगेदर. ए सी प्लस बी डी
ये दोनों को साथ साथ दीजिए, आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन थी, तो वो माइनस वन इस माइनस को प्लस बनाता है। तो इन दिस वे यू कैन डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नो नीड टू वरी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए, आप देखिए 2 प्लस 3i अपॉन 3 प्लस i, इसको इससे डिवाइड करिए। तो डिवाइड करने के लिए आपको रैशनलाइज करना है। अब आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 2 इंटू माइनस आई माइनस 2i, 3i इंटू 3 9i, माइनस 3i स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर 6, 2i माइनस 2i प्लस 9i 7i, माइनस 3 इंटू माइनस 1 9, माइनस आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस, ये भी प्लस, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इज 9 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान डिवीजन है और कितना आसान इनका मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सारे ही ऑपरेशंस लगभग लगभग आपको आते हैं। केवल आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि i इज रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर इज वॉट, आई स्क्वायर इज माइनस वन, आई क्यूब इज माइनस आई, आई टू द पावर 4 इज प्लस 1। इतना ही ध्यान रखना है, इससे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। और हमने ये चारों ऑपरेशंस जो इस पे लगने वाले थे वो देखे। कुछ आइए हम इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे पूछा जाता है आपसे कि फॉर व्हाट लीस्ट पॉजिटिव एन वन प्लस आई होल टू अपॉन वन माइनस आई होल टू द पावर एन इज वन। आपसे पूछा है कि एन की वो लीस्ट वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू वन हो। एन की वो लीस्ट पॉजिटिव, वो सबसे कम वैल्यू निकालना है। आप एन की वैल्यू जीरो ना सोचें कि होल टू द पावर जीरो होगा तो वन हो जाएगा, क्योंकि हमें एन की कौन सी वैल्यू चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव चाहिए। तो आप इसको अंदर ही अंदर मल्टी रैशनलाइज कर दें, वन प्लस आई वन माइनस आई, वन प्लस आई वन प्लस आई होल टू द पावर एन इज इक्वल टू वन। अब आप देखें ऊपर आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग सकता है, वन प्लस आई होल स्क्वायर वन माइनस आई वन प्लस आई वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होल टू द पावर एन इज इक्वल टू वन, वन प्लस आई होल स्क्वायर वन स्क्वायर आई स्क्वायर टू इंटू वन इंटू आई वन माइनस माइनस वन होल टू द पावर एन इज इक्वल टू वन, वन आई स्क्वायर इज माइनस वन टू आई अपॉन टू होल टू द पावर एन इज इक्वल टू वन, वन वन कैंसिल टू आई अपॉन टू, टू टू कैंसिल आई टू द पावर एन इज इक्वल टू वन। अब एन की वैल्यू, वो कम से कम वैल्यू क्या होगी, तो कम से कम वैल्यू होती है एन की 4, जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1, देयरफॉर आंसर इज 4, एन इज इक्वल टू 4, क्योंकि आई टू द पावर 8 भी 1 होगा, आई टू द पावर 16 भी 1 होगा, आई टू द पावर 12 भी 1 होगा, पर आपको एन की वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू निकालना है। तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू है n इज इक्वल टू 4। तो ये एक हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जिसमें डिवीजन भी यूज़ हुआ और इंडाइसेस के भी नियम यूज़ में लिए।
कभी अभी हमें सिंप्लीफाई करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देते हैं कि सिंप्लीफाई फॉलोइंग, तो आइए एक मैं आपसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, सिंप्लीफाई फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन ए प्लस आई बी फॉर्म। तो क्वेश्चन है, 2 प्लस आई 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस 2 आई 2 प्लस आई 3 माइनस आई और 1 प्लस आई। आसानी से कर सकते हैं हम, ब्रैकेट का सबसे पहले एलसीएम ले लें, 2 माइनस आई 2 प्लस आई 2 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई 2 प्लस आई होल स्क्वायर 2 माइनस आई, थोड़ा सा केयरफुल रहें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, 1 प्लस 2 आई 3 माइनस आई 1 प्लस आई। अब आप देखें ऊपर वाले में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, 2 स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आई प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 आई 4 आई माइनस आई माइनस 2 आई स्क्वायर। फॉर्चुनेटली डिनोमिनेटर में आपका फार्मूला लग गया 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, नहीं होता तो आपको फिर सिंपली जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई करना, इंटू 3 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 स्क्वायर इज 4 आई स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 4 आई प्लस 2 प्लस 4 आई माइनस आई माइनस 2 इंटू आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज माइनस 1 एज यू नो इट बिकम्स प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 आई स्क्वायर इज माइनस 1 3 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई एज इट इज। अब आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लें, 4 टिक भी कर सकते हैं ताकि कोई चीज छूटे नहीं, 4 माइनस 1 3 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 4i 8i 8i माइनस आई 7i अपॉन 5 इंटू 3 माइनस आई 1 प्लस आई। ऊपर वाले 1 बाय 5 बाहर भी निकाल सकते हैं और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू 3 21 माइनस 7i प्लस 7 3 जा 21i माइनस 7i स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई, चाहे आप 5 मल्टीप्लाई कर दें या 5 बाहर रखें जैसे मैंने रखा है, 1 अपॉन 5 21 माइनस 7i प्लस 21i 14i माइनस 7i स्क्वायर इज माइनस 1 तो इट बिकम प्लस 1 प्लस आई, 1 अपॉन 5 21 प्लस 7 21 प्लस 7 इज 28 प्लस 14i अपॉन 1 प्लस आई। इसमें से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं 14 अगर आप निकालना चाहते हैं, और नहीं तो कोई इशू नहीं, जैसा लिखा है वैसा लिखे रहने दीजिए। तो 1 अपॉन 5 28 प्लस 14i अपॉन 1 प्लस आई, ऊपर नीचे 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नेवर हैव आई इन डिनोमिनेटर। 1 अपॉन 5 28
माइनस 28 आई प्लस 14 आई माइनस 14 आई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। वन अपॉन फाइव 28 माइनस 14 आई माइनस 14 आई स्क्वायर इज माइनस वन, वन स्क्वायर माइनस माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। 28 प्लस 14 42 माइनस 14 आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। अब आप 2 से दोनों को सेपरेट कर दें, 1 अपॉन 5 21 माइनस 7 आई 21 बाय 5 माइनस 7 आई अपॉन 5, क्योंकि ये हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। आप चाहें तो और अच्छा लिख लें, 21 बाय 5 प्लस माइनस 7 बाय 5 टाइम्स आई। तो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमने लिया और उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाए। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस लें, बुक से उठाएं और उन्हें ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाएं। तो ये दोस्तों हमने ऑपरेशंस देखे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और ए प्लस आई बी में उन्हें एक्सप्रेस करना सीखा। आप अपने सुझाव कमेंट्स मुझे जरूर लिखिए और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई एम एट योर डिस्पोजल। माई मेल आई डी इज़ वेरी सिंपल, डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी @gmail.com। dr के बाद डॉट नहीं लगानी है, dr के बाद डॉट नहीं लगाना आपको। drakeshkumartripathi@gmail.com। तो दोस्तों इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।